कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि पता है पेंडेमिक सिचुएशन आ चुकी है और अब तो वैसे बहुत कम हो चुका है, कोरोना का जो महामारी है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और मैं आज वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने जा रही हूँ। दो बार हमारे गाँव में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने दोनों में से कभी नहीं लगाया। बट अभी मैं वैक्सीन ज़रूर लगाऊंगी। और डर तो है मुझे कि मतलब उसका रिएक्ट हमारी बॉडी पर कैसे असर करेगा, क्योंकि किसी की बॉडी तो इजीली उसको अडॉप्ट कर रही है, बट मेरी बॉडी पता नहीं। मैं तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो रहा है। और जहाँ मैं बैठी हुई है मेरी शॉप है और यहाँ पर मेरे पापा काम करते हैं, मतलब मेरे पापा की शॉप है और नाम मेरे नाम पे है। आप सबको डर लग रहा है वैक्सीनेशन से? नहीं लग रहा? नहीं लगता ना? मतलब सबके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कैसा होगा बताओ ना आप लोग। बहुत आप लोग बोलना चाहोगे क्या फील हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा? कुछ भी फील हो रहा है बाबी आपको? नहीं, शीतल आपको नहीं हो रहा? एक वर्ड तो बता दो हमें, आपकी आवाज़ वगैरह, दीदी वगैरह, बाबी वगैरह सब लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग को? बड़े सारे एक्साइटेड बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप लोग का फर्स्ट डोज ही आज? हाँ। सबका फर्स्ट डोज है, पहला डोज लगाने सब लोग आए हुए। क्या आप लोग को लगता है लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो लगाना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है ना? ज्यादातर तो सारे शर्मा रहे हैं यहाँ पे वैक्सीन लगाने से पहले। कैसे डर लग रहा है, कैसे लग रहा है? डर भी लग रहा है। बहुत सारी अफवाहें चली है ना कि वैक्सीन लगाने से ऐसे हो रहा है, कोई डर भी लग रहा है। चलिए आज ये हमारे वार्ड मेंबर जी, अब ये हमारे को थोड़ा कुछ बताएंगे। गांव में लग रहा था, चोली में भी लग रहा है, अभी पहुंचने वाले हैं, बस वैक्सीन के लिए लोग इकट्ठा हो चुके हैं। यही है, हाँ। सब राजी है वैक्सीन लगाने में, सभी खुशी है, सब खुशियों से लगा रहे सब। ये बात तो सही है, चलो थैंक यू। तो आप सबने देखा कि कैसे कैसे लोग अपनी बातें रख रहे थे, ज़्यादातर तो शर्मा रहे थे। और ये भैया जो इतना कुछ भाषण देते लेकिन आज तक बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे, हेजिटेशन हो रही थी ज़्यादातर। तो आगे का प्रोसेस मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से और जो वैक्सीन हमें दिया जाएगा। और वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग यहाँ आए हैं उनको डर तो बिल्कुल नहीं है, और हर घर से औरतें ज़्यादा आगे आई हुई। अब देखते रहिए आप वीडियो को। और ये हमारे डॉक्टर साहेब की गाड़ी आ चुकी है।
18+44 है ना 49 मेरी बारी आ गई दिखने में मोटी पल लगी आराम से तो अभी हम लोग वैक्सीन लगा के आ चुके हैं और वो भी बैठी हुई दिख रही है हम लोगों ने वैक्सीन लगा लिए सब लोग रेस्ट कर रहे हैं ये मेरी सिस्टर जो मतलब इनको वैक्सीन का ज्यादा असर जो रो रहे नहीं रो रहे ना नहीं रोना चाहिए ठीक है बच्चे नहीं रोना चाहिए आप रो तो नहीं रहे हो मेरा तो हाथ बहुत भारी हो गया सच्ची में बोल भरे आपको मेरे को तो हाथ बहुत भारी लग रहा है देखो यार मैं आज वैक्सीन के लिए आई हूँ ना यहाँ पर और लोग मुझे टोपियों के लिए ऑर्डर दे रहे हैं समझाइए कुछ ना रश्मि है बहुत सारी टोपियाँ हैं बहुत सारी नहीं ऑर्डर पे है भाई पता नहीं आपका सिलाया होगा एक भाइयों कैसे फील हो रहा है दर्द हो रहा है बहुत यहाँ पे चचा मामू और भैया और ये भैया अब आप लोग बताइए कैसा फील हुआ जब वैक्सीन लगाया और बढ़िया फील हो रहा है बढ़िया सच्ची मामा आप ठीक है मतलब कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हाथ उठ भारी भी नहीं हो रहा है आप लोग बताओगे कि कैसा असर हुआ मतलब कुछ फर्क पड़ा आप लोग को अभी तक नहीं पड़ा हाथ ऐसे उठाओ तो नहीं हो रहा कुछ भी भारी भी नहीं हो रहा है हमारा तो भारी हो गया नहीं हो रहा कुछ भी ना मतलब डरने की बात नहीं है ना लगाओ ना सारे वैक्सीन लगाएंगे तो सही है तो लगाना चाहिए सबको लगाना चाहिए हो गया होगा आप लोगों ने लगा दिया अब मैं इन लोगों से कुछ कहते रहो हाथ उठ भारी नहीं हो रहे आप लोग के पक्का हाथ ऊपर करो सच्ची मेरे साथ भी ऐसी हो रहा है आपको पड़े हाथ उठाओ तो शाम को नहीं एक दो दिन के बाद लगाऊंगी मैं पक्का शाम को ही लगा अभी नहीं हो रहा ना आंटी को नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि आप सब लोग आइए ना जितने लोग देख रहे हो लोग वैक्सीन लगाइए डर भर खत्म करके पूजू बता